मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या फिर इसको ये कह सकते हो कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के नियम को पढ़ेंगे। हम लोग इसके पहले ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़े थे, तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्रोई ने दिया था और इससे एक चीज तो ये सिद्ध हो गया कि बोर्स ने जो कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में फिक्स्ड ऊर्जा के साथ चक्कर लगाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर वेव्स के तरह होगा तो फिर ये जो फिक्स्ड ऑर्बिट इसका कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। तो जब ये कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया कि इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित ऑर्बिट पर चक्कर लगाएंगे, तो जब ये चक्कर हम पता ही नहीं कर सकते, तो इतना निश्चित है कि हम लोग इसका ना तो पोजीशन बता सकते हैं और ना ही जो होगा ये मोमेंटम बता सकते हैं। और यही थ्योरी कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाएगा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का नियम कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए एक ये है कि ये कोई भी वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसका साइज या मास कहिए कि ये रिमार्केबल मास है। मान लो इसका मास लगभग 100 ग्राम है। अब इस पे कोई रेडिएशंस पड़ते हैं, तो इस पर जो रेडिएशन पड़ेंगे तो इसकी ऊर्जा होती है E इक्वल टू एच न्यू, या फिर ये कह सकते हो E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो इस पे जो फोटोन स्ट्राइक करेंगे उसकी ऊर्जा इसके फ्रीक्वेंसी का सीधा समानुपाती होगा और वेवलेंथ का क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये फोटोन इस ऑब्जेक्ट जिसका मास हम मान ले रहे हैं 100 ग्राम, इस पर अगर स्ट्राइक करे तो चाहे ये फोटोन कितने भी समय तक इस पर स्ट्राइक करे, इसके पोजीशन या मोमेंटम में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब इसके पोजीशन और मोमेंटम में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इस ऑब्जेक्ट का हम किसी भी समय पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी दोनों सही सही साथ साथ ज्ञात कर सकते हैं। अब यही चीज मान लो एक कोई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है या मान लीजिए यह हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर कोई फोटोन स्ट्राइक करता है जिसकी एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू या फिर E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन पर कोई फोटोन स्ट्राइक करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या इस माइक्रो ऑब्जेक्ट की एनर्जी में परिवर्तन हो जाएगा। और हम ये बताने लायक नहीं है कि इससे किस फ्रीक्वेंसी या किस वेवलेंथ का फोटोन इससे टक्कर करता है और इससे इसकी ऊर्जा में कितनी परिवर्तन होती है। तो जब इसके ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो नेट इसकी वेलोसिटी भी जो होगी ये परिवर्तित होगी, और इसके वेलोसिटी में परिवर्तन होने के साथ साथ इसका मोमेंटम परिवर्तित होगा, इसका पोजीशन भी जो होगा ये परिवर्तित हो जाएगा। तो अब हम ये नहीं बता सकते कि कितने एनर्जी का फोटॉन इससे स्ट्राइक किया, तो हम इसका पोजीशन और मोमेंटम दोनों सही सही साथ साथ ज्ञात नहीं कर सकते। और यही सिद्धांत कहलाता है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का नियम, या ये कहो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कहता है कि किसी माइक्रो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इस टाइप के अगर कोई ऑब्जेक्ट होते हैं तो इनका पोजीशन और मोमेंटम दोनों साथ साथ सही सही ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसका स्टेटमेंट ये होता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली
द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल विथ एब्सोल्यूटली एक्यूरेसी और सर्टेंटी। यह कहता है कि किसी भी छोटे कण का पोजीशन और मोमेंटम दोनों सही सही साथ साथ ज्ञात नहीं कर सकते, और इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ये इंडिकेट किया जाता है डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। इसका मतलब होगा आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन, जहां पर डेल एक्स ये इंडिकेट करता है किस चीज को, ये इंडिकेट करता है अनसर्टेंटी इन पोजीशन को इंडिकेट करेगा, और डेल पी ये इंडिकेट करेगा अनसर्टेंटी इन मोमेंटम को इंडिकेट करेगा, और बाकी तो जानते ही हैं, एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, पाई का नाम मान होता है 3.14। अब एक चीज ये देखो, ये हो गया डेल एक्स इंडिकेट करेगा किसको, अनसर्टेंटी इन पोजीशन को, डेल पी इंडिकेट करेगा किस चीज को, अनसर्टेंटी इन मोमेंटम को। ये जानते हो पी इक्वल टू एम इंटू वी, यानी मोमेंटम बराबर होता है किसके, मास इंटू वेलोसिटी के। तो मोमेंटम में अगर अनसर्टेंटी होता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या हो सकते हैं, मास और अनसर्टेंटी इन वेलोसिटी। हम ये जानते हैं कि मास में अनसर्टेंटी संभव नहीं है, तो अनसर्टेंटी इन मोमेंटम ये किस के कारण होगा, अनसर्टेंटी इन वेलोसिटी के कारण। तो डेल पी बराबर हो जाता है क्या, एम डेल वी। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं डेल एक्स बराबर एच बाई 4 पाई इंटू डेल पी, या फिर इसको इस तरह से भी जो होगा ये लिख सकते हो कि पहले ये लिख लें डेल एक्स इंटू एम डेल वी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। अब कांस्टेंट और बराबर को हटा दो तो ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, डेल एक्स प्रोपोर्शनेट टू 1 बाई डेल पी, और यहां ये हो जाएगा डेल एक्स प्रोपोर्शनेट टू 1 बाई डेल भी। तो ये कह सकते हैं कि अनसर्टेंटी ड्यू टू पोजीशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेंटी ड्यू टू मोमेंटम, और अनसर्टेंटी इन मोमेंटम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो सकता है, अनसर्टेंटी ड्यू टू वेलोसिटी ये रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अब हम इसको ये कह सकते हैं कि अनसर्टेंटी ड्यू टू पोजीशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेंटी ड्यू टू मोमेंटम, अनसर्टेंटी ड्यू टू मोमेंटम, या ये भी कहो और अनसर्टेंटी ड्यू टू वेलोसिटी। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे का उल्टा समानुपाती है। अब अगर मान लो हम पोजीशन को सर्टेन करने लगे, यानी अनसर्टेंटी ड्यू टू पोजीशन को कम करने लगे, तो अनसर्टेंटी ड्यू टू वेलोसिटी या अनसर्टेंटी ड्यू टू मोमेंटम क्या होगा, वो उतना ही बढ़ना प्रारंभ कर देगा। और इस तरह से हम लोग किसी भी माइक्रो पार्टिकल या छोटे कण का अनसर्टेंटी ड्यू टू पोजीशन और अनसर्टेंटी ड्यू टू मोमेंटम ये
दोनों जो होगा ये सर्टेन या डिफिनिट हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी किसी छोटे कण का ना तो हम एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं और ना ही हम उसका एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, अनसर्टेनिटी ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये था कि दोनों अगर एक दूसरे का उल्टा समानुपाती है तो नेचुरल है कि एक को सर्टेन कीजिएगा या एक को एक्यूरेट कीजिएगा तो दूसरा उतना ही अनसर्टेन हो जाएगा, और अगर मान लीजिए एक को एकदम सर्टेन कर दीजिएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग दोनों चीज पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी दोनों एक साथ सही सही ज्ञात नहीं कर सकते। अब इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद ये देखते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसको हम लोग किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं या इलुस्ट्रेट करते हैं, इसको देखिए किस तरह से हम लोग इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। अब जैसे मान लो ये देखते हैं इलुस्ट्रेशन, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन कोई सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी सर्कुलर ऑर्बिट पे रोटेट करता है। अब इस इलेक्ट्रॉन से मान लो कोई फोटॉन टकराता है जिसकी एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू है, और अगर वेवलेंथ के टर्म में लिखते हो तो E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा है। ठीक, हम ये लोग ये मान लेते हैं कि पहली बार ये मान लेते हैं कि कोई फोटोन है और इसका वेवलेंथ मान लीजिए एक एंगस्ट्रम है। ठीक, अब ये क्या होगा कि ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर किया, तो जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा तो फोटोन जिसका वेवलेंथ एक एंगस्ट्रम है इसके पास कुछ ना कुछ क्या करेगा, एनर्जी होगा। अब ये एनर्जी किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस फोटोन के एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, और जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो अब ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट पे रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अब इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट नहीं करेगा। अब ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में बढ़ जाएगा, और ये पाथ किसका हो जाएगा, ये होगा चेंज ऑफ, ये हो जाएगा चेंज ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ती तो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट पर रोटेट करता, और ये होता क्या हमारा ओरिजिनल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता क्या हमारा ओरिजिनल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन का पाथ अब ये सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट नहीं करेगा बल्कि ये क्या होगा, डायरेक्ट रोटेट कर जाएगा। और ये भी हम लोग पढ़े थे कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी इसकी वेलोसिटी परिवर्तित होगी। तो जब इसका नया पाथ इस फॉर्म में या इस रूप में आगे बढ़ेगा तो केंद्रक से दूरी बढ़ने के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा, इसकी वेलोसिटी परिवर्तित होगी, और हम इसका वेलोसिटी कैलकुलेट या वेलोसिटी एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते। तो जब हम इसकी वेलोसिटी एग्जैक्ट नहीं बता सकते तो नेचुरल है कि इसका मोमेंटम भी जो होगा ये क्या होगा, कंप्लीट अनसर्टेन हो जाएगा। अब ये करते हैं कि चलिए इसके वेलोसिटी को तो हम नहीं बताए, लेकिन अब ये करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए हम यहां एक माइक्रोस्कोप लगा लेते हैं। ठीक, तो अब ये जो होगा ये हम ये करते हैं क्या, माइक्रोस्कोप हम इसको लगा देते हैं। तो अब इस माइक्रोस्कोप को लगाने से हम इस इलेक्ट्रॉन के एक्यूरेसी को कम करेंगे,
तो जब इसको एक्यूरेट करने लगेंगे तो इसके वेलोसिटी जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये डिफिनिट नहीं रहेंगे, इसको हम बता नहीं सकते। तो इस तरह से इसका अगर हम पोजीशन एग्जैक्ट करने का कोशिश करें तो वेलोसिटी जो होगा ये अनसर्टेन हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि पहले बार वैसा फोटोन हमने डाला जिसका वेवलेंथ कितना था, एक एंगस्ट्रम था। अब मान लो कोई ऐसा फोटोन इस पर डालते हैं जिसकी एनर्जी क्या हो, जिसकी एनर्जी काफी कम हो, यानी जब फोटोन का वेवलेंथ एक एंगस्ट्रम है तो इसकी कुछ न कुछ एनर्जी होगी। अब ऐसा हम फोटोन डालते हैं, क्योंकि अगर वेवलेंथ कम करोगे तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम ऐसा इस पे वेवलेंथ डाल का फोटोन डालते हैं जिसकी एनर्जी क्या हो, कम हो। तो जब इसकी एनर्जी कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो जब ये कम एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करेंगे तो इसकी वेलोसिटी का तो हम काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर उस स्थिति में हम इसके पोजीशन को लोकेट नहीं कर सकते। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि माइक्रो पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम दोनों हम साथ साथ सही सही ज्ञात नहीं कर सकते। हम चलो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सही सही और साथ साथ जो होगा ये ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस तरह से हाइजेनबर्ग ने अपने सिद्धांत को इसके सहायता से समझाया। अब ये देखते हैं कि आखिर इस सिद्धांत का सिग्निफिकेंस क्या है, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिद्धांत क्या है या इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब ये देखते हैं सिग्निफिकेंस, देखिए इसके सिग्निफिकेंस में करेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं माइक्रो पार्टिकल या माइक्रो ऑब्जेक्ट भी कहोगे, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा होता है क्या, मैक्रो पार्टिकल। मैक्रो पार्टिकल वैसे पार्टिकल को कहते हैं जिसका मास क्या हो, अधिक हो। तो अब एक बार हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कोई मैक्रो पार्टिकल पर लागू करते हैं और दूसरे बार लागू करते हैं किस पर, कोई माइक्रो पार्टिकल पर लागू करते हैं। तो पहले बार देखो बड़े पार्टिकल पर लागू करते हैं, मान लीजिए ये हो गया हमारा प्रॉब्लम वन। हम इसको लागू करते हैं क्या, एक क्रिकेट बॉल पर। मान लीजिए ये प्रॉब्लम है, एक क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल वेट 200 ग्राम, ठीक, इसका वेट कितना है 200 ग्राम। इफ इट्स अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इन पोजीशन इज 5 picometer, is 5 picometer. What is the uncertainty? What is the uncertainty in velocity? In velocity, ये कहते हैं कि कोई क्रिकेट बॉल है, इसका मास है 200 ग्राम। अब इसका पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ रहा है कितना, 5 picometer। यह बताना है कि इसके वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितना होगा। सिद्धांत हमारा क्या था, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 pi। देखो ये कहे थे कि याद कीजिए डेल पी बराबर होता था एम डेल वी के, तो ये हो जाएगा आपका डेल एक्स इंटू एम डेल भी इक्वल टू एच बाई 4 pi। अनसर्टेनिटी ड्यू टू वेलोसिटी काउंट करना है तो डेल भी बराबर होगा एच बाई 4 pi इंटू डेल एक्स इंटू एम। अब मान रखो
डेल भी एच बराबर होगा क्या 6.626 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड, 4 पाई का मान हो गया 3.14। अब क्या है डेल एक्स यानी अनसर्टेनिटी ड्यू टू पोजीशन, ये है 5 पिकोमीटर, तो 5×10^-12 मीटर, ये होता है याद करो 1 पिकोमीटर बराबर 1×10^-12 मीटर के, और साथ साथ हो गया क्या मास, मास हो गया आपका क्या ये हो जाएगा 200×10^-3 किलोग्राम, ये वैल्यू आ गया। अब सॉल्व करोगे तो डेल भी का मान आ जाएगा कितना 5.275×10^-23 मीटर पर सेकेंड, यह हो जाएगा अनसर्टेनिटी ड्यू टू वेलोसिटी। अब देखिए यही करते हैं क्या, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। अब इस प्रॉब्लम में यह करते हैं कि इस क्रिकेट बॉल के स्थान पर हम कोई इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन समान रहेगा, तो अब देखते हैं कि अगर मास में कमी हो गया तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगा। जैसे मान लो ये करते हैं कि ये ले लेते हो कि कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 5 पिकोमीटर। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दोनों केस में समान है, सिर्फ यह है कि इसका मास क्रिकेट बॉल का मास 200 ग्राम है और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा काफी छोटा होगा, तो यह हो जाएगा आपका डेल भी बराबर होगा एच बाई 4 πx×∆x×∆x×m। वैल्यू रखो डेल भी एच का मान होगा 6.626×10^-34 जूल सेकेंड, चलिए 4×3.14 डेल एक्स का मान क्या होगा 5×10^-12 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1×10^-31 किलोग्राम। अब इसको सॉल्व करोगे तो डेल भी का मान आ जाता है कितना 1.158×10^7 मीटर पर सेकेंड, इसका मान इतना आएगा। अब इस दोनों रिजल्ट में तुलना करके देखो, अगर मान लो पार्टिकल हमारा ऐसा है जिसका मास अधिक हो या मैक्रो पार्टिकल है, तो उसमें हमारा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या हो गया इतना है, और ये वैल्यू 5.275×10^-23 ये नेग्लिजिबल वैल्यू है, ये काफी नगण्य है। तो इस तरह से कह सकते हो कि वैसे पार्टिकल जिसका द्रव्यमान अधिक होता है या मैक्रो पार्टिकल, इसमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ये क्या होते हैं काफी कम होते हैं। तो जब इनमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और वेलोसिटी काफी कम होंगे तो हम जो पार्टिकल बड़े होते हैं या मैक्रो पार्टिकल होंगे इनका पोजीशन और मोमेंटम हम एक्यूरेटली या सही सही ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई माइक्रो पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन टाइप पार्टिकल होते हैं, तो अब देखिए अगर इसमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 5 पिकोमीटर था तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इतना हो गया। जबकि हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट में रोटेट करता है तो इसकी वेलोसिटी होती है 2.18×10^6 मीटर पर सेकेंड।
तो ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो होंगे इस इलेक्ट्रॉन के एक्चुअल वेलोसिटी जो इसका वेलोसिटी था उससे भी क्या होता है, अधिक होता है। तो इससे हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल माइक्रो पार्टिकल पर लागू नहीं होता या वैसे पार्टिकल पर लागू नहीं होगा जिसका द्रव्यमान अधिक होता है, इसके लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल छोटे ऑब्जेक्ट या ये कहो कि माइक्रो ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन टाइप ऑब्जेक्ट जिसका द्रव्यमान या मास काफी कम होता है उसके लिए क्या होंगे, काफी सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये कह सकते हो कि दिस प्रिंसिपल हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर माइक्रो पार्टिकल या ये कह सकते हो पार्टिकल हैविंग लार्जर मास इट हैज ओनली सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रो पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन टाइप पार्टिकल। ये जो होंगे ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बड़े पार्टिकल या मैक्रो पार्टिकल पर लागू नहीं होंगे, ये लागू होते हैं किस पर, माइक्रो पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन टाइप पार्टिकल पर लागू होते हैं। अब इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि ये बोर्स एटॉमिक मॉडल को किस तरह से ये इसको काटा या बोर्स एटॉमिक मॉडल को किस तरह से फेल्योर किया। अब याद कीजिए कुछ बोर्स एटॉमिक मॉडल में बोर्स ने ये कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किसी सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं जिसकी ऊर्जा निश्चित होगी। अब जब बोर्स ने यह कह दिया तो न्यूक्लियस के चारों तरफ मान लो इलेक्ट्रॉन इस कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, लेकिन सबसे पहले इसके बाद डी ब्रोई ने यह कह दिया कि इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का नेचर ड्यूअल होगा तो ये वेव्स के तरह बिहेव करेंगे, तो वेव्स जो होगा इस स्पेसिफिक ऑर्बिट पर तो रोटेट नहीं करेगा, तो इसका पाथ अब ये नहीं होकर बल्कि ये हो जाएगा, इस तरह से इसके पाथ होंगे। तो जब इसके पाथ इस तरह के होंगे तो ये जो स्पेसिफिक ऑर्बिट विथ स्पेसिफिक एनर्जी इसका कॉन्सेप्ट वहां समाप्त हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया तो अब ये था कि जब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट ही स्पेसिफिक नहीं होगा तो फिर ना तो हम इसका पोजीशन बता सकते हैं और ना ही जो होगा इसके वेलोसिटी को हम बता सकते हैं। जब मान लीजिए इसलिए कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट ही नहीं रहा तो हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट नहीं कर सकते, और जब हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट नहीं कर सकते तो इसकी वेलोसिटी भी हम लोग बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होगी ये क्या होगी, ये कम होगी। तो वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए इसका लोकेशन होना या लोकेट होना जरूरी है। तो अब यह था कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन का ना तो पोजीशन बता सकते हैं ना ही वेलोसिटी बता सकते हैं, और सिर्फ इतना जरूर कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसकी प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हैं कि हाँ यहां पाए जाने की संभावना अधिक होगी, या फिर इसके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का रेंज, ये इसकी वेलोसिटी यहां से यहां तक हो सकती है या इसका पोजिशन यहां से यहां तक हो सकता है, इससे अधिक हम लोग एटम
एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में और कुछ नहीं बता सकते हैं। और इस तरह से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और इसके पहले डी ब्रोई हाइपोथेसिस, ये दोनों ने बोर्स के एटॉमिक मॉडल को कंप्लीट फेल्योर कर दिया, क्योंकि बोर्स का जितना भी प्रॉपर्टीज था, चाहे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो, चाहे एटम का साइज हो, चाहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो, सारे के सारे निर्भर किस चीज पर करते थे? ये निर्भर करते थे डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी पर निर्भर करते थे। और जब इलेक्ट्रॉन का को हम लोकेट ही नहीं कर सकते, सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ही समाप्त हो गया, तो अब ना तो हम इसका पोजीशन बता सकते हैं, और पोजीशन नहीं बताने के कारण ना तो इसका एग्जैक्ट साइज बता सकते हैं, ना ही इसकी एग्जैक्ट एनर्जी बता सकते हैं, और ना ही इसका एग्जैक्ट वेलोसिटी बता सकते हैं। और इस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स का जो सिद्धांत था, क्लासिकली इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल नेचर का कंसीडर करते हैं, ये इस दो थ्योरी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोई हाइपोथेसिस, इसके कारण लगभग लगभग कंप्लीट समाप्त हो गया। और इसके बाद एक नए सिद्धांत का जनरेशन हुआ, और ये सिद्धांत कहलाता है क्या, वेव मैकेनिक्स कहलाता है। तो ये आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया। अब अगर मान आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।